नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एमसीक्यूज एंड वन लाइनर सीरीज आपके लिए शुरू की गई है। तो दोस्तों, कल हमने चंदवंश पार्ट वन के तहत कुछ एमसीक्यूज लगाए थे और कुछ एमसीक्यूज हम आज लगाएंगे, जिससे चंदवंश मोटा माटी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल पर अभी अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि किस शासक को बूढ़ा अत्याचारी शासक कहा गया है। तो दोस्तों, मैंने आपको कल ही बताया था कि बाज बहादुर चंद को बूढ़ा अत्याचारी, निरंकुश और मायूस शासक बताया है। और किसने बताया है? तो एटकिंसन ने बताया है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि जूला व सिरती नामक कर लगाने का श्रेय किसको जाता है, मतलब सर्वप्रथम जूला और सिरती कर को इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा आपका लक्ष्मीचंद। लेकिन भूटे व्यापारियों पर यह कर पहली बार किसके द्वारा लगाया गया था? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा लगाया गया था। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंद शासक के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में प्रसिद्ध है? तो ये होगा आपका भारती चंद। तो भारती चंद और भागा धोनियान का एक मल्ल युद्ध का वर्णन भी हमें इन पवाड़ों के थ्रू मिलता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसके साथ भारती चंद ने मल्ल युद्ध किया था? तो वीरांगना भागा धोनियान के साथ युद्ध किया था। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस किले को फोर्ट मेरा किले के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका लाल मंडी का किला, जिसका निर्माण करवाया था कल्याणचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दोस्तों, कि किस शासक ने गूंठ नामक भूमि दान में देना प्रारंभ करवाया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका बाज बहादुर चंद। 1673 ईस्वी में मानसरोवर यात्रियों के लिए इसने सर्वप्रथम गूंठ नामक भूमि दान में दी थी। इसके अलावा दोस्तों, रुद्रचंद की अकबर में लाहौर में भेंट कब हुई थी? तो 1588 में हुई थी और 1587 में रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी पुलों पर लगने वाला कर क्या था? तो नदी पुलों पर लगने वाला कर जो आपका था, ये था आपका जूलिया। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको इन सभी करों के बारे में बता देता हूँ। तो जो आपका सिरती कर है, ये आपका नगद कर था। मांगा कर, ये युद्ध के समय में मांगा जाता था। और साहो जो कर है, ये लेखक पर लगने वाला कर है। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानचंद द्वारा डोटी अभियान कब किया गया? तो 1704 ईस्वी में ज्ञानचंद के द्वारा डोटी अभियान किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, किस चंद शासक के काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो दोस्तों, जगत चंद के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है। केवल 1708 से लेकर और 1720 तक इसने कुमाऊं के क्षेत्र में शासन किया, मात्र 12 वर्षों तक शासन किया। लेकिन इसकी राजनीतिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि इसके काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने राजधानी खगमरा किले से आलमनगर स्थानांतरित की? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये होगा आपका बालू कल्याण चंद। जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि चंपावत से खगमरा किला जो राजधानी लाया था, ये कौन लाया था आपका? तो ये भीष्मचंद लाया था आपका। और खगमरा किले से आलमनगर कौन ले गया? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बालो कल्याण चंद। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरू देउबा किसका सेनापति था? तो दोस्तों, हिरू देउबा आपका सेनापति था उद्योगचंद का, जो 1683 और 1688 जो विजय अभियान किए थे उद्योगचंद ने, जिसमें अजमेरगढ़ को 1683 में और खैरागढ़ को 1688 में विजित किया था। तो इस अभियान में हिरू देउबा मारा गया था। इसके अलावा दोस्तों, एक नेक्स्ट सेनापति भी था इसका, जिसका नाम था शिरोमणि जोशी। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, शिरोमणि जोशी किसका सेनापति था। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदवंश का 50वां शासक कौन था? तो बेहद आसान है इसका आंसर, तो बाज बहादुर चंद चंदवंश का 50वां शासक था। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्योवाली व विस्टाली नामक कचहरियाँ किस शासक के द्वारा बनाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका, ये होगा आपका लक्ष्मीचंद, जिसको लखोली बिराली के नाम से भी जाना जाता है। और गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण और 1 बार आंशिक विजय इसको प्राप्त हुई थी, जिसमें गढ़वाल का जो सेनापति है खतड़वा मारा गया था और खतड़वा त्यौहार मनाना इसके ही द्वारा प्रारंभ किया गया था कुमाऊं वाले क्षेत्र में। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षय रोग से किस चंद शासक की मृत्यु हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा आपका दिलीप चंद। तो जगत चंद की किससे मृत्यु हुई थी? चेचक से हुई थी। और इसकी किससे हुई है? क्षय रोग से हुई है। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद राजवंश में भूमि के मालिक को क्या कहा जाता था? तो भूमि के मालिक को कहा जाता था थातवान। इसके अलावा दोस्तों, कामगारों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो जो आपका मिझारी कर है, ये कामगारों से लिया जाता था। इसके अलावा दोस्तों, साहू और रतांगली ये लेखक पर लगने वाले कर थे और मौ ये प्रत्येक परिवार पर लगने वाला कर था। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरमोही किला कहाँ पर स्थित है? तो सिरमोही किला आपका चंपावत में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, चंद शासन का अवनति काल कब से प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों, जैसे ही 1720 ईस्वी में जगत चंद की चेचक के कारण मृत्यु हुई थी, तब से ही चंदवंश का अवनति काल प्रारंभ हो गया था। तो 1720 इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि देवी चंद को चंदवंश का तुगलक किसने कहा था?
तो एटकिंसन ने ही देवी चंद को चंदवंश का तुगलक कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि इसने विक्रमादित्य बनने की चाहत में कुमाऊं में बहुत सारा धन व्यर्थ किया था। इसके अलावा दोस्तों, सोमचंद के समय डोटी नरेश कौन था? तो जो आपका जयदेव मल्ल था, ये आपका डोटी नरेश था। और पहला मल्ल शासक कौन था आपका? तो ये था आपका वामदेव। इस फैक्ट को भी आपने याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण के समय चंदों की मदद किसने की थी? तो प्रदीप शाह, जो आपका गढ़वाल नरेश था उस समय का, इसने इस समय चंदों की मदद की थी। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंद शासक ने नागा बाबाओं की सेना तैयार की थी? तो इसका आंसर होगा आपका मोहनचंद। मोहनचंद के द्वारा ही नागा बाबाओं की सेना तैयार की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद शासकों में सबसे लंबा कार्यकाल किस शासक का रहा? तो जो आपका भारतीय चंद है, इसका चंद वंश में सबसे लंबा कार्यकाल है। लगभग 40 वर्षों तक इसने कुमाऊं के क्षेत्र में शासन किया। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? तो 1587 में की, और 88 में ये लाहौर भेंट करने गया था। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेंडा सिंह किसका सेनापति था? तो गेंडा सिंह आपका सेनापति था लक्ष्मी चंद का। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरस भयो अस्सी बुद्ध गई नसी, यह कथन किस राजा के लिए कहा गया है? तो ये बाज बहादुर चंद के लिए कहा गया है। बूढ़ा, अत्याचारी, निरंकुश और मायूस शासक किसने कहा है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो किसने कहा है? एटकिंसन ने कहा है। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि किस शासक ने कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने के लिए काफ़ी धन व्यर्थ किया था? तो जो आपका देवी चंद था, इसने विक्रमादित्य बनने की चाहत में काफ़ी धन व्यर्थ किया और विक्रमादित्य तो बन नहीं पाया, और क्या बन गया? तुगलक बन गया। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को कहा जाता है? तो शिवचंद को मिट्टी का महादेव कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवधर जोशी किसका संरक्षक था? तो शिवधर जोशी आपका दीपचंद का संरक्षक था। इसके अलावा दोस्तों, कुमाऊं में स्थायी छावनी की स्थापना किस चंद शासक ने की थी? तो कुमाऊं में स्थायी छावनियों की जो स्थापना है, वो उद्योग चंद के द्वारा पहली बार की गई थी। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागनाथ किस चंद शासक के गुरु थे? तो जो आपके कीर्तिचंद हैं, इनके गुरु का नाम क्या था आपका? नागनाथ था। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मंडी किले का निर्माण कब हुआ था? तो 1563 ईस्वी में हुआ था, और किसने करवाया था? तो कल्याण चंद ने करवाया था। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला शासक कौन है? तो मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला जो शासक है आपका, यह है आपका कल्याण चंद। तो इस फैक्ट को भी आपने याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षदेव जोशी किस चंद राजा के प्रशासन में था? तो मोहन चंद के प्रशासन में आपका हर्षदेव जोशी था। इसे ही कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, चंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंदवंश का अंतिम शासक आपका महेंद्र चंद था, और 1790 में ये अपनी सारी सत्ता गोरखों से हार गया था। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि चंद शासन में ताम्रपत्र तैयार करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो टमटा कहा जाता था। इस फैक्ट को आपने याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, अशोक चल का उत्तराखंड पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1191 में अशोक चल का उत्तराखंड में आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस चंद शासक के समय में पूर्ण हुआ था? तो विक्रमचंद के समय दोस्तों, बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इसके बाद दोस्तों, राजा सोमचंद किसका उपासक था? तो राजा सोमचंद आपका भगवान शिव का उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नरसिंहवाड़ी का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका लक्ष्मीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाज बहादुर चंद को बहादुर की पदवी किसने दी थी? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका शाहजहां। शाहजहां द्वारा ही बाज बहादुर चंद को बहादुर की पदवी दी गई थी। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेख से पता चलता है कि कुमाऊं पर अशोक चल का आधिपत्य था? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका गोपेश्वर त्रिशूल लेख। तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से पता चलता है कि 1191 ईस्वी में अशोक चल ने कुमाऊं वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भीष्मचंद की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो गजवा ठिंगा के द्वारा भीष्मचंद की हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपावत से शासन चलाने वाला अंतिम चंद शासक कौन था? तो चंपावत से खगमरा पोर्ट कौन राजा ने लेकर आया था? तो भीष्मचंद लेकर आया था। तो अंतिम शासक कौन हो जाता है? तो भीष्मचंद ही हो जाता है। और खगमरा पोर्ट से आलमनगर कौन लाया था? तो कल्याण चंद लाया था। इस फैक्ट को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस काव्य में लक्ष्मीचंद को लक्ष्मण कहा गया है? तो मानवीय काव्य में लक्ष्मीचंद को लक्ष्मण कहा गया है। और मानदेय काव्य की रचना किसने की थी? तो भरत कवि ने की थी। इसके बाद दोस्तों, बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? तो 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था। और किस किसके बीच हुआ था? तो ललित शाह और मोहनचंद के बीच हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपने याद रखना है कि किस किसके बीच हुआ था, ललित शाह वर्सेस मोहनचंद। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, चंदवंश का गुंगा शासक किसे कहा जाता है? तो दीपचंद को चंदवंश का गुंगा शासक कहा जाता है। और कल्याणचंद चतुर्थ को क्या कहा जाता है? तो इसको अनपढ़ शासक कहा जाता है। दोनों फैक्ट आपने याद रखने। इसके अलावा दोस्तों, कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत किस चंद शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सोमचंद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुमाऊं वाले क्षेत्र में जो आपके त्यौहार होते हैं,
त्योहारों के मौके पर घर की चौखटों में एक विशिष्ट प्रकार की रंगोली बनाई जाती है, इसको ही कहा जाता है ऐपण। इसके बाद दोस्तों आज का जो आपका अंतिम क्वेश्चन है कि किस शासक ने ओली ब्राह्मणों का वर्ग बनाया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा आपका रुद्रचंद। तो चौथानी ब्राह्मण हो गया, ओली ब्राह्मण हो गया, इसका वर्ग किसने बनाया था, तो रुद्रचंद ने बनाया था। तो दोस्तों ये था आपका आज का MCQs एंड वन लाइनर सेशन। सेशन पसंद आया हो तो सभी तक हमारी वीडियो और PDF को जरूर शेयर करें। मिलते हैं कल के बेस्ट MCQs एंड वन लाइनर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।